वहीं सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने इंडियन न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह से खास बातचीत की है। इस दौरान ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कल शपथ ली और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी सौगात मिली है, यानी वही लोग जो पहले मंत्री थे ज्यादातर लोगों को वही मौका मिला है और कई लोग जो हैं वो नए चेहरे के रूप में काम करते नजर आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भले ही नतीजे उतने सकारात्मक नहीं थे लेकिन उसके बाद भी भागीदारी हिस्सा या कहा जाए कि चेहरों को उसी तरह का पोर्टफोलियो दिया जाएगा। देखिए, जो लक्ष्य लेके लड़ाई हुई उस लक्ष्य में देश में सत्ता एनडीए की बनी और प्रदेश में जो जिसकी हिस्सेदारी है, बड़ा प्रदेश है और प्रदेश में जो हिस्सेदारी मिली है और लोग मिलकर के काम करें, जो विकास के इशू हैं जनता के लिए काम करें। अयोध्या को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी आप लोग भी अंतरूनी सर्वेक्षण कर रहे हैं कारणों का कि किस तरह से इस तरह की सीटें हो गई या इस तरह से जनता का इस तरह से प्यार मिलता हुआ कहां से ये गणित बिगड़ा, इसको लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी पहली कैबिनेट बैठक दिल्ली में भी होने जा रही है। तो अब उसमें समीक्षा होगी, कैबिनेट से तो निर्णय नहीं आना है। जब पार्टी अपने अपने कमियों के विषय में किन कारणों से ये हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे तब ना। तो उसकी समीक्षा के लिए हम लोग 11 से शुरू करने जा रहे हैं कल से, तो समीक्षा करके आते हैं तो बताते हैं। अयोध्या अखिलेश यादव अभी भी नहीं जाएंगे, मतलब इस तरह का मैंडेट मिला है वहां के सांसद जो जीते हुए हैं समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद, वो कह रहे हैं वहां नहीं जाएंगे, कन्नौज में वो मंदिर बनाएंगे वहां जाएंगे, अयोध्या के राम मंदिर नहीं जाएंगे दर्शन। अब उनका विषय है, वो जाएं न जाएं तो भाई।